हेलो एवरीवन। शरीर में अगर किसी भी जगह पर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ यानी कुछ गांठ जैसे स्ट्रक्चर अगर नजर आ रहा है तो उसके बारे में होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी दूंगी, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत तरह की अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जो इस तरह के सिस्ट को बिना सर्जरी के, बिना कट, बिना चीरे के भी ठीक कर सकती है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करने जा रही हूँ शरीर में कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ यानी सिस्ट जैसी, गांठ जैसे अगर कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके बारे में होम्योपैथिक दवाइयों की जानकारी दूंगी। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट भी आपको मिलते रहें। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। बात करने जा रही हूँ शरीर में किसी भी तरह की सिस्ट जैसी ग्रोथ यानी गांठ जैसा कुछ स्ट्रक्चर अगर दिखाई देता है, वो एक एबनॉर्मल सा दिखता है, पेशेंट बहुत अनईजी हो जाता है, टेंशन में भी हो जाता है, तो इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी और कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी जानकारी दूंगी जो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी पेशेंट्स को दिए और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। बिना सर्जरी के, बिना कट के वो जो भी सिस्ट थी वो डिजॉल्व हुई है। मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट के बहुत अच्छे फीडबैक हैं तो सोचा क्यों ना इस पे डिस्कशन किया जाए। शरीर में ये जो सिस्ट जैसी ग्रोथ है ये कहीं पर भी हो सकती है, इंटरनली ऑर्गन्स में हो सकता है, किडनी सिस्ट हो सकती है, लिवर पे सिस्ट हो सकती है, फीमेल में यूट्रस पे सिस्ट हो जाती है, ओवेरियन सिस्ट होती है, पीसीओडी की ग्रोथ हो सकती है, या फिर बहुत तरह के एबनॉर्मल जो ग्रोथ होती है जिसमें रिस्ट पे अगर गैंग्लियॉन जैसा दिखने लग जाता है, रिस्ट जॉइंट पे या कलाई पर भी कुछ गांठ जैसे स्ट्रक्चर दिख सकता है। बॉडी में ये कहीं पर भी हो जाता है पर पेशेंट थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि ये गांठ जैसा स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली ये होता क्या है। कहीं किसी किसी में फ्लूइड भर जाता है, एक पाउच या सैक जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। कहीं कहीं पे ये मस्कुलर थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर भी हो सकता है, किसी किसी में थोड़ा हार्ड और सेमी सॉलिड फ्लूइड्स भी नजर आने लग जाते हैं, तो इस तरह के ग्रोथ इस सिस्ट के अंदर दिखने लगती है। कहीं कहीं पे कुछ सिस्टिक ग्रोथ यानी कलेक्टिव टिश्यूज भी जमा होने लग जाते हैं जिसकी वजह से ये गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये एक पेनलेस स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई दर्द नहीं होता है, ये नॉन कैंसरस गांठ होती है, किसी कैंसर वाला इसमें पोर्शन नहीं दिखाई देता है। साथ ही पेशेंट को यहाँ पे किसी तरह के कोई सिम्टम्स भी नज़र नहीं आते हैं कि कोई दर्द हो रहा हो सकता है कभी कभी किसी किसी पेशेंट को कुछ सिम्टम्स दिख भी जाते हैं कि पेन होने लग जाए या बॉडी में कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स भी नज़र आ सकते हैं, पर वो बिनाइन ट्यूमर्स हो जाते हैं। ऐसे कोई कैंसर ही हो हर गांठ का मतलब वो चीज़ नहीं होती है, ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो पेनलेस होते हैं। एक ग्रोथ हो गई है जो होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक भी हो जाती है, इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं होती है। ये नॉर्मल वे में भी किसी इन्फ्लामेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या किसी इंजरी की वजह से भी हो जाता है कि कहीं कलेक्टिव टिश्यूज जमा हो गए या कहीं पे ब्लड का क्लॉट हो गया है या कहीं पे कोई पस फॉर्मेशन हो गया, उसकी वजह से भी कुछ ग्रोथ हो जाती है। तो आप इसको डॉक्टर के पास जाकर एक बार चेकअप करवा के अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबे टाइम तक कोई ग्रोथ है पर उसमें किसी तरह का पेन नहीं हो रहा, सेंसेशन नहीं हो रही, बॉडी में भी किसी तरह की कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे पर पेशेंट फिर भी थोड़ा अनकंफर्टेबल है, तो आप डॉक्टर से जाकर मिल सकते हैं, अपनी चेकअप करा सकते हैं। साथ ही साथ में कोई भी ग्रोथ अगर दिख रही है तो आप उस पर वॉच करते रहें कि ये बढ़ तो नहीं रही है या इसकी वजह से बॉडी में कोई और सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर डॉक्टर चेकअप करा के फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो सिस्ट है ये किस चीज़ की बनी हुई है या अंदर क्या भरा हुआ है, वो भी चेकअप से पता लग जाता है। और ये ग्रोथ भी अगर हो रही है तो ये क्यों हो रही है, इसके बहुत सारे रीज़न भी होते हैं कि ऐसा काफ़ी चेंजेस होने लग जाते हैं बॉडी में। अगर फीमेल्स के हॉर्मोन्स चेंजेस होने लग जाते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है तो भी इस तरह की ग्रोथ या सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है। सेम चीज़ मेल ऑर्गन में भी होती है, कई बार मेल ऑर्गन में भी किसी तरह की नोड्यूलर या ग्रोथ दिखने लग जाती है क्योंकि मेल हॉर्मोन्स में भी चेंजेस हो सकते हैं।
किडनी के फंक्शंस के अकॉर्डिंग किडनी में भी सिस्ट हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, लीवर के अगर फंक्शंस थोड़े गड़बड़ा गए हैं तो लीवर में भी सिस्ट हो सकती है। बॉडी में बहुत तरह के रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, पर इससे डरने की बात नहीं है क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन से ही ये सारी ही तरह के सिस्ट या ग्रोथ हैं वो ठीक हुई है। मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत लोगों को मेडिसिन दी जिससे इस तरह की गांठ या जो स्ट्रक्चर है ये डिजॉल्व हुए हैं, तो मैं उन्हीं में से कुछ मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगी जो इस तरह के सिस्टिक ग्रोथ में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। मेल हो या फीमेल हो, उनके ब्रेस्ट में भी, चेस्ट में भी इस तरह की कोई नोड्यूलर ग्रोथ दिखने लग जाती है, सिस्ट दिखने लग जाती है, एक्सिलरी यानी कि शोल्डर के नीचे वाले पोर्शन में भी इस तरह की ग्रोथ दिखने लग सकती है, रीढ़ की हड्डी पर भी इस तरह की गांठ जैसा स्ट्रक्चर अगर दिख रहा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मोस्टली केसेस में ये नॉन कैंसरस यानी बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ कौन कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बिना कट बिना सर्जरी के इन सिस्ट को ठीक कर सकती है। सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में, 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 बार जीभ पे रख के चूसनी है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। थूजा 200 पोटेंसी में 4-4 ड्रॉप्स सिर्फ एक ही बार लेनी है, शाम के टाइम लें, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। 1 चम्मच पानी में 4 ड्रॉप्स डाल के पिए शाम के टाइम थूजा 200 के। साथ ही और भी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम लोग मेडिसिन देते हैं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जैसे बेलाडोना है, रूटा है, एपिस है, कॉर्नियम है, बेंजाइक एसिड है, ये सारी ही मेडिसिन इस तरह के बेनाइन ट्यूमर्स में दी जा सकती हैं। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, तो एक बार आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी को भी अगर इस तरह की सिस्ट या ग्रोथ हो रही हो तो उन्हें इस वीडियो से हेल्प मिल पाए। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक इंस्टाग्राम के लिंक शेयर किए हैं, अगर आप किसी भी तरह की होम्योपैथिक रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सजेशंस चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।